इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में अचानक आई बाढ़ की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार 14 मई को बचाव कर्मियों ने नदियों और उजड़े हुए गांवों के मलबे में लोगों की तलाश जारी रखी। मानसून की भारी बारिश और भूस्खलन तथा माउंट मेरापी से निकले ठंडे लावे ने शनिवार को आधी रात से ठीक पहले पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के 4 जिलों में कहर बरपा दिया। इसकी वजह से 52 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, इसमें ठंडे लावे के साथ कीचड़, बाढ़, पानी, बारिश सब कुछ मिला था। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के साथ बदसुलूकी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार 14 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल एक निंदनीय घटना हुई। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। जब वह ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी तभी विभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और वह उचित कार्रवाई करेंगे। मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था। अंतिम दिन मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, लोक पार्टी के विनय कुमार त्रिपाठी, बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश कुमार यादव, रीना राय, नेहा जायसवाल, अजित कुमार जायसवाल, अशोक कुमार पांडे निर्दल, संदीप त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को आरोपी बनाया है। सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 आरोपी फरार है जिनकी तलाश जारी है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने टीम के कप्तान केएल राहुल के लिए 13 मई को डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में संजीव गोयनका बेहद गर्मजोशी से केएल राहुल से मिलते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात के फोटो वायरल है। यह फोटोज देख क्रिकेट फैंस काफी खुश नजर आए। संजीव गोयनका ने दिल्ली में मौजूद अपने आवास पर केएल राहुल को डिनर पार्टी के लिए बुलाया था, जहां केएल राहुल पहुंचे थे। केएल राहुल भी इसी मुलाकात के दौरान काफी खुश नजर आए। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।